सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद सोनीपत की खिलाड़ी अपने घर पहुंची, जहां सोनीपत पहुंचने पर खिलाड़ी नेहा गोयल, निशा वासी और शर्मिला का शहरवासियों की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। तीनों खिलाड़ियों के स्वागत में सोनीपत जिले के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए और तीनों खिलाड़ियों का फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों ने कहा कि इस ओलंपिक में देश में एक बार फिर हॉकी का नाम जिंदा हुआ है और हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब आगे जाकर हम कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वहीं इस बार मेडल की कमी रही है, अगली बार मेडल लेकर ही वापस आएंगे। हॉकी की तीनों खिलाड़ी निशा वासी, नेहा गोयल और शर्मिला के भव्य स्वागत के लिए सोनीपत के महाराणा प्रताप चौक पर तैयारियां की गई थी। सोनीपत के महाराणा प्रताप चौक से पूरे शहर से जुलूस निकालते हुए तीनों खिलाड़ियों को उनके घर ले जाया गया। सोनीपत जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने तीनों और तीनों के परिवार को सम्मानित किया। वहीं सोनीपत के सामाजिक संस्थाओं ने कहा कि खिलाड़ियों ने हमारे जिले का नाम रोशन किया है और तीनों खिलाड़ियों के स्वागत में हमने ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया है और तीनों खिलाड़ियों का स्वागत जोरदार से किया गया है। तीनों खिलाड़ियों का फूलमाला डालकर शहर से जुलूस निकालते हुए उनके घर तक पहुंचाया गया है, ताकि खिलाड़ी ये ना सोचे कि उनके स्वागत में कोई कमी रह गई है। वहीं इस मौके पर तीनों खिलाड़ियों ने कहा कि उनका ये पहला ओलंपिक था और उन्होंने कहा टीम अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेली है। पहली बार हमारी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। हमने देश में हॉकी को एक बार फिर जिंदा किया है। इस बार मेडल की कमी रह गई है, अब वो अगले ओलंपिक की तैयारी करेगी। वहीं अब उनकी तैयारियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं और उसी की तैयारियों में जुट जाएगी। शहरवासियों ने स्वागत किया है, उसके लिए वो बहुत खुश हैं। इस बार जो मेडल की कमी रही है, हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और अगली बार मेडल की कमी को भी पूरा करेंगे। देशवासियों की दुआ और प्यार से ओलंपिक में हम अच्छा प्रदर्शन कर वापस आई हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये हमारा पहला ओलंपिक था तीनों का और काफी एक्साइटेड थे, बट हम पहले तीन मैच हारे तो टीम काफी डिमोरलाइज हो गई थी। उसके बाद हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मैच बाय मैच जाएंगे, एक एक मैच खेलेंगे, और हमने फिर हर एक मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने जीत के और काफी हमें कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमें यही था कि हम हर टीम से कम्पीट कर सकते हैं। आगे की क्या तैयारी रहने वाली है? अभी नेक्स्ट ईयर हमारा कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम वर्ल्ड कप होने वाला, तो उसी की अभी हम तैयारी शुरू कर देंगे। सोनीपत पूरा शहर आपके जोर शोर से स्वागत के लिए तैयार है, कितनी खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये थोड़ा सा दुख है कि हम आपके लिए मेडल नहीं लेके आ पाए, बट आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया और इतना मोटिवेट किया, इतना प्यार दिया, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। थैंक यू। पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, इतना अच्छा, मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना मोटिवेट किया सबने। इवन हमने 3 मैच लूज़ किए थे, उसके बाद हमने विन किया, उसके बाद हमने कम बैक किया, वो हमारे लिए ऐसा टाइम था कि हमने कम बैक किया और उसके बाद 41 ईयर्स के बाद हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एटलीस्ट हम लोगों ने बच्चों को इंस्पायर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सेमीफाइनल जो मैच खेला था उसमें क्या कमियाँ रही जब आप खेल रहे थे? हम लोग बहुत क्लोज थे, ये भी नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बुरा खेला है। वो वर्ल्ड की 2nd नंबर रैंक की टीम थी, उसके साथ कम्पीट करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोगों ने अपनी बेस्ट गेम दी थी। थोड़ी थोड़ी कमियां थी जो जिनसे हम लोग चूके हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दुगनी मेहनत करेंगे और उन चीज़ों को पूरा करेंगे। कॉमनवेल्थ में हमें इससे ज़्यादा जोश के साथ, इससे ज़्यादा दुगनी मेहनत के साथ हम लोगों को वापस आना, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग नहीं है, ये यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मेरा ये पहली अचीवमेंट है इतने बड़े लेवल की, सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज पूरा सोनीपत पूरे हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। हमारी सोनीपत की तीन तीन बेटियाँ नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला, और साथ में हमारी प्रीतम शिवाज, आज पूरे सोनीपत ने, इतनी भीड़ ने उनका स्वागत किया है और हम जो है ना पूरे उल्लास में हैं, पूरा सोनीपत जोश में है। हमारी बेटियां जिस तरह से खेली हैं, आगे चल के फाइनल का गोल्ड भी यहां लेके आएंगी और सोनीपत कम से कम 3 खिलाड़ी सोनीपत की रैंक को अड़ागी। सोनीपत जिले ने पूरी हॉकी टीम में, भारतीय में अपना नाम किया है और हमेशा करता रहेगा। हमारी बेटियाँ जिंदाबाद, जिंदाबाद।